बैठूँ ना तो शायद बताते बताते या सुनते सुनते आप थक जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। क्या रहा है कि यहाँ का जो एक इकोसिस्टम बना हुआ था वो टूट रहा है, चाहे रोजगार के स्तर पर हो चाहे बच्चों के स्तर पर। अब जो बच्चे बहुत दिन से तैयारी करने से, मैं अब 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अचानक से नोएडा ही शिफ्ट हो जाऊँगा। मेरी अपनी समस्या है कि मैं जिस लाइब्रेरी में था, पता चला मैंने आज पैसे दिए कल उसने बंद कर दिया। की तरह ही यहाँ पे जितनी कोचिंग थी 90% अभी नहीं चल पा रही है, उसका बस उसी के लिए आज सभी इकट्ठे हुए और MLA सर को बुलाया आज। नमस्कार, आज हम आए हैं मुखर्जी नगर के बत्रा कॉम्प्लेक्स, जहां स्टूडेंट्स अपनी हक की लड़ाई लड़ने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर इस एरिया के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद हैं। आपने बीते महीने देखा होगा कि कैसे निरंतर UPSC के इस क्षेत्र में समस्याओं का सामना एक स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। तो चाहे वो हम ORN की घटना देखें या मुखर्जी नगर में संस्कृति कोचिंग की आग, स्टूडेंट के मन में एक गुस्सा है, एक उबाल है, उसी को लेकर आज ये विशाल जनसभा है। और आज हम आए हैं उन्हीं स्टूडेंट्स की राय जानने। आकांक्षा, कहाँ से हैं आप? कितने सालों से आप यहाँ तैयारी कर रही हैं मुखर्जी नगर? 6 to 7 years। अब 6-7 साल से मुखर्जी नगर में रह रही है, कितने अटेम्प्ट दे दिए आपने? मेरे अटेम्प्ट UPSC में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे, ओवर हो चुके हैं। तो अगर आप देखें कि आप 6-7 साल से मुखर्जी नगर में रह रही, कितनी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है यहाँ एक स्टूडेंट हब एरिया में? देखिए, मैं अगर प्रॉब्लम्स गिनाने बैठूँ ना तो शायद बताते बताते या सुनते सुनते आप थक जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। यहाँ पर प्रॉब्लम्स का अंबार है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये जगह अपने आप में प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। कभी ये, आई एग्री कि कभी ये गढ़ रही होगी, शिक्षा का गढ़ रही होगी, लेकिन अब यहाँ पे पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन कर दिया गया है। किसी प्रकार की अगर हम जो एक शिक्षा की बात करते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि वो पूरी तरीके से कोई बाजार में मिलने वाला कोई प्रोडक्ट है, पर यहाँ पर यही हो रहा है। और रही बात यहाँ पर, जैसे अगर आप बात करें कि आज जो इस तरह का हिपोक्रेसी हो रही है, वो अपने आप में हास्यास्पद है कि जिस तरह से ये लोग ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट सेंटर में है और हम सब हमारी भलाई की बात हो रही है, और कोई हमारे बारे में या हमसे पूछ भी नहीं रहा कि हमारी समस्याएं क्या हैं। आपका कहना है कि जो यहाँ पूरा मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे में आप लोगों को देखा नहीं जा रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, मंचों से भाषण दिए जा रहे हैं, और जो विशाल जनसभा है इसमें लिखा है कि शिक्षा और रोजगार का केंद्र है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक रोजगार के केंद्र की लड़ाई हो रही है यहाँ? बिल्कुल, यहाँ पे सब अपने अपने हितों को साध रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियरली यही कहना चाह रही हूँ, एक भी आप बताइए वहाँ पर स्टूडेंट के नाम पे कौन है रिप्रेजेंट करने के लिए मंच पे? होना चाहिए था ना, जब हम बात करते हैं सभी, मतलब जितने भी लोगों का हित होता है, और खास करके जिसको आप केंद्र में रख के बात कर रहे हैं कि आपने स्टूडेंट को सब कुछ बना रखा है, तो उसका एक तो रिप्रेजेंटेटिव होता आपके मंच पे, जो वहाँ आपके मुद्दों को भी, स्टूडेंट्स के मुद्दों को भी रखता। मैम, आपको क्या लगता है, बार बार निरंतर स्टूडेंट्स को UPSC के एरिया में देखे, तो पहले ORN में जो केस हुआ, उसके बाद अभी संस्कृति में देखे, तो निरंतर ये जो समस्या स्टूडेंट्स को आ रही है, ये क्या है? मतलब इससे कितना आप लोगों की तैयारी में विलंब आ रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, हम पढ़ते हैं इस चीज़ को कि जब कोई क्रांति होती है ना, तो वो अचानक से होती है, हमें ऐसा लगता है कि रातों रात हो गया, पर उसका जो घड़ा होता है ना, वो धीमे 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 भर रहा होता है। जो जिन घटनाओं की बात आपने अभी पीछे की, वो सारी वही घटनाओं की तरह मैं उन्हें देखती हूँ, जिसका मतलब एक तरीके से वो जो ORN में उन बच्चों की दुर्घटना हुई उनके साथ में, वो उसने उसको एक क्रांति में तब्दील कर दिया, जो कि बहुत ज़रूरी था और बहुत समय से ये अवेटेड था। आपको क्या लगता है कि जब इतनी घटनाएं हो गई, जो घड़ा है अब वो फूट चुका है, तो क्या उसके बाद अब चीज़ें सुधरेंगी? क्या अब स्टूडेंट्स के हित में जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे? क्या स्टूडेंट्स की मांगें अब पूरी की जाएंगी? देखिए, इस जैसे मंच में जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से तो कुछ भी नहीं होने वाला। हर जगह की एक ज्योग्राफी होती है, उस ज्योग्राफी की अपनी एक कैपेसिटी होती है। मुझे लगता है कि अब इस जगह का एक, मतलब ये पूरी तरीके से जितना ये सेवा दे सकती थी ये दे चुकी है। अब अगर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे कुछ शुरू करना है,
तो प्रॉपरली इस एरिया को रीबिल्ड करना पड़ेगा, यानी सब हटाइए। मतलब आपका कहना है कि जो कोचिंग्स बाहर जा रही है वो ठीक है, क्योंकि अब इस एरिया का जो एक सीमा है, सैचुरेशन पॉइंट है, वो आ गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ नहीं पाता है, हर तरफ से उसे घबराहट महसूस होती है। आप ही बताइए, जो कोठरी जैसे कमरे होते हैं, जिन कमरों में एक खिड़की तक नहीं होती, हम कहते हैं खिड़की एक आशा की उम्मीद की तरह होती है। खिड़की से बाहर हम देखते हैं सूर्य की रोशनी जब हमारे कमरों में आती है तो हमें एक उम्मीद की किरणें लेके आती है, पर यहाँ तो वो कोठरी है और लिटरल मीनिंग में कोठरी है। एक भी कमरे में, किसी भी कमरे में एक आपको खिड़की नहीं मिलेगी, ना हवा आएगी, ना पानी आएगी, ना सूर्य की। आप सोचिए, यहाँ पे अगर कभी आप नॉर्मल रूटीन चेकअप पे भी जाए ना, तो डॉक्टर बोलेगा कि आप सूर्य की ये किरणों की कमी की वजह से आपको विटामिन डी की कमी हो गई है। तो ये यहाँ की ये स्थिति, और उन कमरों के किराए हमसे लिए जाते हैं 10-10 हज़ार। ये बात तो मैम कोचिंग की हो गई। आप यहाँ देखें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, हम जब बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के तो हमें पता चला पीजीज हैं, क्या कहते हैं, फोटोकॉपीज की दुकानें हैं, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिया जा रहा है, 2-2 महीने की सिक्योरिटी ली जा रही है। तो क्या इसको भी, इस पर भी सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ से कोचिंग शिफ्ट हुई है, होना भी चाहिए, लेकिन जहाँ भी शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ इन चीज़ों का प्रॉपर रेगुलेशन भी एंश्योर करना चाहिए। मतलब अब जो भी चीज़ें हों वो सिर्फ स्टूडेंट्स के ध्यान के हित को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज़ वो जहाँ पे भी जाएंगे और अगर बिना किसी रेगुलेशन के ये चीज़ें होंगी तो ये दूसरा मुखर्जी नगर नेहरू विहार बनेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि उस पेन को और यहाँ रहने की जो समस्याएँ हैं उनको एक स्टूडेंट ही समझ सकता है जो यहाँ पर रह रहा है। थैंक यू सो मच मैम। क्या कर रहे हैं आप मुखर्जी नगर में? सभी लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो मैं भी उसी में। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे 2 साल हो गए यहाँ। जैसे 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मुखर्जी नगर अभी चेंज हो रहा है, अभी यहाँ भी 5,000 की तादाद में लोग खड़े हैं और आप यहाँ सब कह रहे हैं कि मनोज भैया आएंगे, मुखर्जी नगर बचाएंगे। बत्रा के इस कॉम्प्लेक्स पे इतनी भीड़ है, जनसभा है, विशाल जनसभा है, किस लिए है, क्या मुद्दा है इस विशाल जनसभा का? जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि समस्याएं बहुत पहले से चली आ रही होती हैं और कुछ तात्कालिक चीज़ें मिल जाती हैं तो एक विस्फोट हो जाता है, तो इसको इसी संदर्भ में समझना चाहिए। यहाँ पे जैसे बच्चे आते हैं बाहर से अपने घर परिवार से, इसकी पृष्ठभूमि कैसी है कैसी नहीं है, पैसा बहुत सारा लगा होता है, यहाँ आने पर बच्चों का बहुत ही शोषण किया जाता है एक हिसाब से, भाई ब्रोकरों के द्वारा, लाइब्रेरी में, कोचिंग्स में, हर जगह सुविधाओं की स्तर पर बहुत ज़्यादा शोषण होता है। तो ये परंपरा काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, तो अभी जो हाल की घटनाएँ हुई हैं, चाहे वो ORN वाला मामला हुआ या फिर ये संस्कृति में आग लगी, तो बच्चों में एक व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हो गया। तो धीरे धीरे प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हुई कि बच्चों को एक बढ़िया जगह मिले, जहाँ पर बेहतर अवसंरचनाएँ हों, वहाँ पर कोचिंग वगैरह शिफ्ट किया जाए। तो उनसे हो क्या रहा है कि यहाँ का जो एक इकोसिस्टम बना हुआ था वो टूट रहा है, चाहे रोजगार के स्तर पर हो, चाहे बच्चों के स्तर पर। अब जो बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, मैं अब 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अचानक से नोएडा ही शिफ्ट हो जाऊँगा। मेरी अपनी समस्या है कि मैं जिस लाइब्रेरी में था, पता चला मैंने आज पैसे दिए कल उसने बंद कर दिया, तो मेरी पैसा गया, फिर मैं अब कहाँ से शिफ्ट करूँ? बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ी। ये है, यहाँ पे शिक्षक भी आए हैं और हमारे सांसद माननीय मनोज तिवारी जी से यही अनुरोध है कि इसको थोड़ा ठीक किया जाए। सर, आपने अपने उसमें बताया, भाषण में आपने अपने वक्तव्य में बताया कि बहुत शोषण हो रहा है स्टूडेंट्स का, किस किस तरीके से यहाँ मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स का शोषण हो रहा है? शोषण के स्तर पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो जब बच्चा घर से निकलता है और जब तक यहाँ से फाइनल सिलेक्शन हो नहीं जाता, पूरा चरणबद्ध तरीके से उसका शोषण होता है। चाहे आप तो आएगा बच्चा, सबसे पहले रूम के लिए परेशान होता है कि भाई हमें रूम चाहिए, तो ब्रोकर जैसे 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का, जिस स्तर पर लोग ले सकते हैं रूम का, जैसी सुविधाएं देते हैं उस हिसाब से पैसे लेते हैं। हाँ, मांग और आपूर्ति का यहाँ से आंदोलन चलता है, लेकिन उसमें क्या है कि 10,000 का रूम है, साथ में ब्रोकरी भी, बच्चे को 5,000, काफ़ी सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। व्यवस्थित पढ़ाई शुरू करने के लिए वो 50,000 रुपये लेकर आए, कोचिंग फीस के अलावा। अब आप समझ सकती हैं कि निम्न मध्यम परिवार के लिए कितनी चिंता की बात है कि वो आधा बच्चा जो है हिंदी माध्यम में, विशेषकर ये हिंदी माध्यम हब माना जाता है। क्या उम्मीदें हैं आपको प्रशासन से, एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट जो पढ़ने आया है, क्या उसकी बातें, क्या उसकी मांगे सुनी जाएंगी? अब जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं सिविल सोसाइटीज़ के बारे में, तो अंदर
से भी एक वेदना आती है कि भाई हमें अपनी आवाज़ तो प्रशासन तक ले जानी चाहिए, तो ये उसी का एक हिस्सा है कि भाई हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपनी आवाज़ तो पहुँचाएंगे, बाकी आगे का उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। मुश्किल होता है कि आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, कुछ बनने आए हैं, उसके बाद आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पढ़ाई तो कर ही रहे लेकिन साथ में प्रशासनिक लड़ाइयाँ हैं, कोचिंग से लड़ाइयाँ हैं, पीजी वालों से लड़ाइयाँ हैं, लेकिन निरंतर आपको ये लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अपने बहुत ज़्यादा इसको उस हिसाब से नहीं लेना चाहिए भाई, संघर्ष तो हर क्षेत्र में है, भारत बहुत अभी विकसित देश तो हुआ नहीं है, विकासशील देश है, हर क्षेत्र में संघर्ष है, आप खेल से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में कहीं भी जाइए संघर्ष है, और अपना अपना संघर्ष है, तो ये हमारा संघर्ष है, हम इसको अन्यथा में नहीं लेते कभी, इसी में लड़कर इसी में लोग आगे हमारे जो पीछे के यही से आप सीखते हैं लड़ना समाज से, दुनिया से, प्रशासन से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि कैसे एक स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने नहीं आता, यहाँ वो लड़ता है हर किसी से लड़ाई, देखते हैं कि क्या इनकी मांगे सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा सुनी जाएगी, और जो कोचिंग्स को लेकर जो बार बार ब्रोकरेज की बातें आ रही हैं, क्या वो सारी मांगे सुनी जाएंगी, आइए स्टूडेंट्स को हक मिल पाएगा? सर लास्ट दो ईयर से यहाँ हैं, और जनरली कभी आपने स्टूडेंट्स की विशाल जनसभा मुखर्जी नगर जैसे एरिया में नहीं देखी होगी, आज यहाँ विशाल जनसभा रखी गई है, क्या मुद्दा है इस विशाल जनसभा का कि यहाँ पे आपके सांसद महोदय को यहाँ आना पड़ा? मैंने काफ़ी सारे रीजन्स है इसके पीछे, पहली बात तो ये पूरा एरिया होता है जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो चाहती है हम यहाँ आए पढ़े और अपना जॉब लेके चले जाएँ, लेकिन अभी कुछ महीनों से हम फेस कर रहे हैं कि यहाँ पे रेगुलरली काफ़ी सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लगातार क्लासेस नहीं चलने दे रही हैं, जिसमें से एक MCD हो गया, फायर डिपार्टमेंट है, एक्सेट क्लास भी है, तो चलते क्लासेस भी बंद कर देते हैं वो, इनफैक्ट उनका कहना है कि तुम्हारे क्लासेस अच्छे से ना तो बने हुए ना वो रेजिडेंशियल एरिया में आते हैं ना वो, तो मल्टीपल रीजन डाले जाते हैं जिनका कोई सरपाव नहीं होता है, इसी तरह ही यहाँ पे जितनी कोचिंग थी 90% अभी नहीं चल पा रही है, उसका बस उसी के लिए आज सभी इकट्ठे हुए और MLA सर को बुलाया आज। सर आपको क्या लगता है कि जो मनोज तिवारी जी यहाँ आए हैं उनके आने से जो आपकी बेसिक डिमांड है, जो आप चाहते हैं कि यहाँ स्टूडेंट्स का शोषण होता है, स्टूडेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्या वो प्रॉब्लम्स का हल होगा? मैम हम स्टूडेंट्स हैं, अभी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्री के बारे में सीख रहे हैं, तो हमारे एकमात्र रास्ता होता है कि अपने सर के थ्रू जाएँ, हम अपने मेंटर के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आज हम अपने मेंटर्स को सपोर्ट करना है और वो मेंटर्स ने ये सब आयोजन करवाई है, तो लेट्स होप क्या निकलता है। सर आपके मेंटर्स ने आपका साथ दिया, स्टूडेंट्स का साथ दिया, इतना बड़ा एक विशाल जनसभा आप लोगों के लिए कराई, तो जो मेंटर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम मेंटर्स मैं कहूँगा ज़्यादातर हमारे 90% मेंटर्स तो मतलब भगवान की तरह है, इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा अच्छे से क्लास मेंटेन करी है, सारे रूल्स फॉलो करे हैं, इनफैक्ट जब स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी जब कुछ बंद भी नहीं हो रहा था, अभी जब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है तभी सब एकाग्रित हो रहे हैं, वरना तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो मेंटर्स हमारे लिए कर रहे हैं तो हम ही इसलिए। सर बेसिकली 2 साल से मुखर्जी नगर जैसे एरिया में रह रहे हैं जो बहुत ही एक स्टूडेंट का हब है, यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ रहा है? सॉरी मैं असल में रहता नहीं हूँ, मैं घर से ही आता हूँ, मैं बस कोचिंग करने आता हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। पटना से आया हूँ, पहले भी यहाँ कोचिंग किया था। अच्छा सर, अभी आप तैयारी कर रहे हैं पटना से यहाँ आके? सर यहाँ भीड़ दिख रही है और लिखा है कि मनोज भैया आएंगे, मुखर्जी नगर बचाएंगे, एक विशाल जनसभा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ मौजूद है, तो किस चीज के लिए जनसभा की गई है? ये बिजनेस बचाओ एक तरह से है, स्टूडेंट का इसमें कोई लेना नहीं है, स्टूडेंट तो पहले भी परेशान थे, ब्रोकर के जाल में दुगना रेंट दे रहे थे। अच्छा अच्छा, उनको दरकिनार किया गया। तो सर ये क्या आपको क्या लग रहा है कि अभी आप लोगों को बचाने नहीं आए? अब अलग ठिकाना खोज लिए, जैसे दृष्टि यहाँ से चली गई जी, वो लोग भी अब नोएडा सेक्टर 15 चले गए कुछ लोग बहुत जी। तो सर बेसिकली यहाँ जो हो रही है विशाल जनसभा, इसका मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि बचाना का है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो जनसभा का मुद्दा है वो हो पाएगा? स्टूडेंट्स क्या बच पाएंगे? स्टूडेंट्स का जो राइट है, हक है, वो उन्हें मिल पाएगा? स्टूडेंट तो अपना नया रास्ता तलाश लेंगे, कितना दिन वो झेलते रहे। अच्छा नहीं सर, हम जानना चाह रहे हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। आज यहाँ बत्रा कॉम्प्लेक्स पे एक भीड़ इकट्ठी हुई है, 5,000 स्टूडेंट्स की तादाद है, तो ये तादाद किस चीज़ के लिए है? मेन तो बिजनेस
लोगों का डाउन हो रहा है, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, पीजी से लेकर मेस वाले से लेकर अच्छा स्टेशनरी वाले से लेकर अच्छा अच्छा वो उन्हीं के द्वारा ये करवाया गया है। लड़का स्टूडेंट भी एग्जिट नहीं हो पाए अपने बेकार के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। अमन कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार से हूँ। अमन, यहाँ पर एक विशाल जनसभा रखी गई है, जनरली विशाल जनसभा चुनाव के टाइम रखी जाती है, और ये जनसभा स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम मुखर्जी नगर में खड़े हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए एक हब माना जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या कारण है इस विशाल जनसभा का? मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो मतलब ये चाह रहे हैं कि मुखर्जी नगर में मतलब डिस्ट्रिक्ट कोचिंग था ना, वो नोएडा की साइड शिफ्ट हो गया है, तो उसको मतलब शायद लाने के लिए कर रहे हैं, या फिर उसको मतलब कि वो फिर से वापिस आ जाए यहाँ पे, इसके लिए लोगों को रोजगार के लिए शायद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये रोजगार का वो है, यहाँ जो रोजगार छूट रहा है उसके लिए ये लड़ाई लड़ाई जा रही है, या स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है? आप लोगों का क्या है, आप नोएडा रहे या मुखर्जी नगर रहे, आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, तो आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि आप मुखर्जी नगर रहे या नोएडा रहे? लड़ाई किस चीज की है? एक तरह से कह सकते हैं रोजगार के लिए हो सकता है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो शिक्षा को लेके रोजगार को लेके लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई क्या आप लोगों के हित में जाएगी, या फिर से ये एक राजनीति का मुद्दा बन के रह जाएगा? ये तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, दोनों तरह से हो सकता है इसमें, कि मतलब कि ये कुछ बच्चों के लिए भी है और कुछ रोजगार के लिए भी, दोनों का ही है। जब हम कुछ लोगों से यहाँ बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं बहुत शोषण होता है यहाँ स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स को मेंटली बहुत टॉर्चर करने को मिलता है ऐसे मुखर्जी नगर जैसे एरिया में। आपका क्या ख्याल है, आप यहाँ रहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है? थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, अब वैसे तो हमारे साथ तो वैसा अभी कुछ तक हुआ नहीं है वैसे, अब कुछ अगर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ भाई मेरे साथ नहीं होता, किसी और के साथ नहीं होता, किसी के साथ हो सकता है, मतलब कुछ दुकानदारों को मतलब कुछ बच्चे किसी के साथ हरकत कर देते हैं कभी कभी, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, मतलब कभी कभी हो भी सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।